गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? चल रहा है पढ़ाई? एकदम लगे रहिए। ये 10 क्लास का लाइफ प्रोसेस हम चैप्टर शुरू किए हुए हैं, जिसमें लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट आपका न्यूट्रिशन है। हमने पहला स्लाइड आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, जिसमें न्यूट्रिशन क्या होता है वो चीज़ हम बताएं, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा है और आपके तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। न्यूट्रिशन प्लांट हमने परसों यूट्यूब पर लोड किया, मोर और लेस अभी तक 600 बच्चा देख चुका है, तो इसके लिए आप लोगों को बधाई। और इसी तरीके से यूट्यूब पे आप अपने मित्रों को बोलिए और थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट। और बार बार मैं बोल रहा हूँ तुमको कि अगर आप साइंस में 80 में 80 मार्क्स अगर लाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले MCQ 20 नंबर आपको सही करना पड़ेगा। अगर 20 नंबर आपका MCQ सही हो जाता है तो चांस क्या रहता है आपको 80 में 80 आने का, क्योंकि उसके बाद लिटरेचर होता है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा मोड़ा अगर गड़बड़ाते हुए हो किसी क्वेश्चन में तो लास्ट में अगर आपका मार्क्स, अगर शर्त यह है कि 20 आपका MCQ में रहना चाहिए, अगर 76 या 78 आता है तो टीचर कोशिश करता है कि उसको 80 पे जाके छोड़े। इसलिए MCQ मस्ट है। आज हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। आप पढ़े हो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरह का होता है, आउटोट्रॉफ जिसमें आता है तुम्हारा ग्रीन प्लांट्स, बाकी जितने भी लिविंग थिंग हैं। तो ग्रीन प्लांट को छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, एक प्लांट में आता है फंजाई जो हेटरोट्रॉफ होता है, बाकी सब एनिमल क्या होगा, हेटरोट्रॉफ होगा। और हेटरोट्रॉफ का मतलब आप समझ रहे हो, हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, दोज लिविंग थिंग व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर फॉर द फूड, इट मींस दे ईट रेडीमेड फूड, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। तो आज वही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ोगे और उसमें भी देखोगे क्या होता है। हेटरोट्रॉफिक में भी टाइप होता है, तो उसी टाइप में आप आज हम आपको बताएंगे, तीन तरह का होता है, सेप्रोजोइक, पारासाइट एंड होलोजोइक। तो थोड़ा सा वर्ड को पकड़ो, क्या पूछ रहे हो वो, अच्छा बताते हैं बेटा वो क्या है। वो ऐसे ही मैं दे दिया हूं, एक्चुअली वो 4 फुटेड एनिमल है, देखो ग्रास को च्यूइंग कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए बना है। खैर एनीवे, अब देखो ये हेटरोट्रॉफिक का टाइप होता है तुम्हारा तीन, से प्रोजोइक, पारासाइट, होलोजोइक। अब देखो बायोलॉजी में क्या होता है, कोई भी वर्ड जो होता है तो उसको जो आप डिफाइन करते हो कि वो वर्ड प्लांट से रिलेटेड है कि एनिमल से है, तो उसके अंत में देखोगे अगर जोइक शब्द लिखा रहता है तो वो दैट वर्ड इज रिलेटेड टू द एनिमल, अगर फाइटा लिखा रहता है तो दैट वर्ड इज रिलेटेड टू द प्लांट, जिसे सेप्रोफाइटा भी हो सकता है। तो सेप्रोफाइटा का मतलब क्या हो गया, वो प्लांट से रिलेटेड हो गया, जिसे फंजाई है वो प्लांट लेकिन वो सेप्रोफाइटा है। एनिमल में भी बहुत सा सेप्रोजोइक आता है। उसी तरीके से देखो पारासाइट दोनों में कॉमन है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, होलोजोइक या होलोफाइटा। तो एक एक करके इसका मीनिंग थोड़ा सा समझो। अब ध्यान से देखो यहां पर ये सेप्रो देख लो, वर्ड से ही पकड़ो बेटा, ये देखो ये सेप स्पॉइल शब्द से आया है। तो स्पॉइल का मतलब देखो डेड भी हो सकता है, रोटेन भी हो सकता है। अब देखो सेप्रो का, सेप्रोजोई का मतलब ये होता है कि एनिमल व्हिच ईट्स स्पॉइल डेड और रोटेन फूड मटेरियल, तो वह उस टाइप के एनिमल को कहा जाता है सेप्रोजोइक। और उसका सबसे बेस्ट जो NCERT में आपके लेवल पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या है, फंजाई। और उसी फंजाई में देखो ब्रेड मोल्ड्स आता है, ईस्ट आता है और मशरूम्स, देख लो नाम सुने होंगे मशरूम का। अब यहां पर देखो क्या होता है, ये जो स्पॉइल डेड या रोटेन जो बोलते हो तो स्पॉइल क्यों बोलते हो, उससे क्या होता है स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, क्या होता है कि वो फूड जो है
डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड जो है दैट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो ये जो सेप्रोजोइक जो एनिमल होता है उसका मैक्सिमम डाइजेशन क्या होता है, बाहरी हो जाता है। इसलिए इस टाइप के एनिमल में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। आपके एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है कि वो डाइजेस्टिव फूड लेता है, नहीं, यहां पर पार्शियल डाइजेशन होता है। वो सेप्रोजोइक एनिमल क्या होता है, अपने माउथ से कुछ एंजाइम निकलता है और उस फूड पे डालता है, जिसके चलते उसका डाइजेशन स्पीड अप हो जाता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। और हम जो बार बार बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड टू द सिंपलर फॉर्म सो दैट बॉडी इजिली एब्जॉर्ब, तो कोई भी लिविंग थिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड नहीं एब्जॉर्ब करता, जब भी एब्जॉर्ब करेगा तो सिंपलर फॉर्म। तो वो डिटेल जानोगे कि सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड का मतलब क्या होता है जब हम डाइजेशन बताएंगे तब, पहले मीनिंग समझो, याद रहेगा सेप्रोजोइक। दूसरा देखो पारासाइट, पारासाइट का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग व्हिच इट्स डाइजेस्टेड फूड, दे डज नॉट नीड द डाइजेशन, इसलिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। अब डाइजेस्टेड फूड क्या होता है फिर यहां पर हम बताएंगे, पहले इसको समझो। अब देखो होलोजोइक, थोड़ा वर्ड को पकड़ो, होलो मीन्स होल, माने दोज लिविंग थिंग व्हिच इट्स होल फूड, यहां पर होल फूड का मतलब क्या हो गया, इट्स कॉम्प्लेक्स फूड। तो वो बॉडी के अंदर जाके डिसाइड होता है कि उसमें कौन सा यूजफुल है कौन सा अनयूजफुल है। इट मीन्स होलोजोइक जो होगा उसमें डाइजेशन होगा, इट मीन्स ये एनिमल में क्या होगा, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा आपका, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स हमने बताया था, और मोस्टली जो एनिमल होता है वो होलोजोइक होता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो। अब कोई भी एनिमल में जो न्यूट्रिशन होगा तो उसमें फाइव स्टेप्स होता है, माने मोस्ट इंपोर्टेंट फाइव स्टेप। अब यहां पर देखोगे क्या होता है कि हर एनिमल का टाइप ऑफ फूड अलग अलग होता है। उसके बाद देखोगे क्या होता है, अगर सर्च कर लिया वो यही फूड है उस पर्टिकुलर एनिमल का, तो टू ऑब्टेन, हाउ टू ऑब्टेन द फूड, तो देखोगे डिफरेंट मेथड अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स इन न्यूट्रिशन जो है, चाहे वो हम बार बार बोल रहे हैं वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, इस स्टेप से उसको गुजरना है। लेकिन इस स्टेप्स जैसे फर्स्ट है तुम्हारा इंजेशन, उससे पहले क्या होता है, सर्चिंग ऑफ द फूड, नहीं मेरी बात समझ रहे हो, जैसे सपोज करो सब आदमी जानते हो अर्थवर्म क्या करता है, दे इट्स द सॉइल, वो सॉइल खाता है। अब उस अर्थवर्म के नजदीक आप मान लो मुर्गा का टंगड़ी रख दो, मटन रख दो, स्वीट्स रख दो और एक मिट्टी का ढेला रख दो, तो वो खोजेगा कौन चीज, मिट्टी। वो आपका वो मुर्गा का लेग्स नहीं खाएगा, वो आपका स्वीट्स नहीं खाएगा, जब भी वो ईट करेगा तो क्या ईट करेगा, सॉइल करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, सर्चिंग ऑफ द फूड। अब जैसे ही वो सर्च करता है तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है, हाउ टू ऑब्टेन द मिथ, माने मेथड ऑफ द ऑब्टेनिंग टू द फूड, कैसे वो फूड को अंदर लाता है। तो देखोगे यहां पर क्या होता है, डिफरेंट एनिमल्स का मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको प्रोक्यूरमेंट भी कर सकते हो। जैसे हम ह्यूमन बीइंग में आ जाओ, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, फर्स्ट दैट फूड ब्रिंग इनटू द हैंड एंड हैंड ब्रिंग द फूड इनटू द माउथ। लेकिन फोर फूटेड एनिमल में चले जाओ, डायरेक्टली क्या होता है, दैट फूड इंटर इनटू द माउथ। उसी तरीके उस इंसेक्ट होता है जो जनरली देखोगे वो लीफ उसका फूड होता है, तो वो फोर लेग के मदद से क्या करता है, उस लीफ को अंदर डालता है। तो डिफरेंट एनिमल में क्या होता है, फूड भी अलग अलग होता है और मेथड टू ऑब्टेन वो भी अलग होगा, लेकिन एनी हाउ वो फूड कहाँ इंटर करता है, माउथ में। तो जैसे फूड माउथ में इन करता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, इंजेशन। द सिंपल इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड इंटर इनटू द माउथ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। अब जैसे फूड तुम्हारा माउथ में आएगा तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डाइजेशन होता है। तो थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में आपको डिटेल हम थोड़ा समझाएंगे। तो ये इंजेशन तो समझ गए, लिखने की नहीं जरूरत है। अब देखो, और इसका डिटेल अगर जानना है तो मेरे YouTube पर देखोगे, पहला जो वीडियो है लाइव प्रोसेस, तो उसमें डिटेल है, तुमको मैंने एकदम लिटरेचर के साथ है, तो वहां से लिटरेचर आप देख सकते हो। यहां कोशिश करो समझने का।
अब देखो डाइजेशन का सिंपली देखोगे बुक में डिफिनेशन क्या रहता है, ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म सो दैट बॉडी इजिली एब्सॉर्ब। तो अब ये नहीं समझ में आता है कि ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म, तो सिंपलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? अब जैसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे आप मान लो व्हीट है, तो व्हीट को क्या करते हो आप, फ्लावर मिल में उसको पाउडर्ड कर देते हो, तो यही ब्रेकिंग हुआ क्या? या कोई मसाला है तो उसको फूर देते हो या मिक्सी में चला, जैसे चावल है तो उसको बॉयल करके मुंह में तो क्या होता है, उसको च्यूइंग करके एकदम पेस्ट बना देते हो, तो हो गया डाइजेशन? नहीं, यहां पर डाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझो, क्योंकि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो, हमने आपको शुरू में बताया था कि न्यूट्रिएंट्स में तीन ही आइटम्स होता है, वो फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, बाकी जो है मिनरल वाटर विटामिन ए क्या है डाइजेस्टर, इसको डाइजेशन की जरूरत नहीं होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन, फिर देखो ये फैट, अब देखो क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट बना होता है ग्लूकोज से, ये प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और ये फैट बनता है फैटी एसिड से। ध्यान से देखो, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन टुगेदर, क्या होता है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दूसरे से केमिकल बाउंडिंग करता है, और इस तरीके से नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइंड करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट कितना कॉम्प्लेक्स होगा वो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जनरली देखोगे आप नाम सुनते हो सेलुलोज, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। उसके बाद आता है स्टार्च, तो अब यहां पर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सपोज करो ये इस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल से देखो, अब इसको आप खाए, आपका बॉडी क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इसको दो में तोड़ेगा इस तरीके से, फिर फर्दर स्टेप होगा, लास्टली क्या होता है हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है। उसी तरीके से प्रोटीन क्या होता है अमीनो एसिड, तो इस तरीके से देखो ये एक अमीनो ये बॉन्ड बनाया है, दूसरा ये, तीसरा ये, मान लो चौथा, तो ये देखो डाइजेशन का मतलब ये हुआ अलग अलग अमीनो एसिड। उसी तरीके से फैटी एसिड है, ये देखो इस तरीके देखो ये अलग अलग, तो आपका बॉडी जो लेता है वो सिर्फ ग्लूकोज लेगा, सिर्फ अमीनो एसिड लेगा, सिर्फ फैटी एसिड होगा। सिंपलर फॉर्म का मतलब ये होता है योर बॉडी ओनली एक्सेप्ट ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, योर बॉडी डज नॉट एक्सेप्ट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। कभी कभी क्या होता है आपका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो कभी कभी क्या होता है दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज एक साथ रह जाता है, दो अमीनो एसिड एक साथ रह जाता है, दो फैटी एसिड एक साथ रह जाता है, क्या होगा बॉडी आपका एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो क्या होगा अनडाइजेस्ट फूड के रूप में निकलता है, तो कभी कभी देखोगे लूज मोशन होता है, या कभी कभी बोलते हो ना कि आज इनडाइजेशन हो गया है, यानी इनडाइजेशन का मतलब ही होता है कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो वो कम्प्लीटली ब्रोके वो ग्लूकोज में नहीं ब्रोकन हुआ है, प्रोटीन खाए हो वो कम्प्लीटली अमीनो एसिड में नहीं ब्रोकन हुआ, या फैट है तो वो कम्प्लीटली फैटी एसिड में ब्रोकन नहीं हुआ। तो डाइजेशन का मतलब यही होता है यहाँ पर कि ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म का मतलब क्या होता है ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है इज योर बॉडी एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, आपका आंसर होगा नो, योर बॉडी ओनली एक्सेप्ट ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपका बॉडी एक्सेप्ट करता है या फैट, तब तो बाहर निकल, बॉडी एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है वो ब्लड में चला जाना, तो जब कोई चीज ब्लड में चला जाएगा तो बाहर कैसे निकलेगा, तो कभी कभी देखोगे आपको वोमिटिंग होता है, खाना बाहर, क्या है बॉडी नहीं एक्सेप्ट किया है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी में नहीं गया है, इसलिए बॉडी से क्या होता है बाहर चला जाता है, और वो जो आप
अनडाइजेस्ट फूड जो रिमूव करते हो स्टिल दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन फैट। देखोगे उसी को अदर एनिमल खा के देखो कितना तगड़ा रहता है, तो उसको फर्दर डाइजेशन करने के लिए उसमें होगा वो एंजाइम। लेकिन हर एनिमल को, हर एनिमल, हर लिविंग थिंग जो है क्या एक्सेप्ट करता है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। समझ में आया डाइजेशन? आगे बढ़े। अब देखो जैसे डाइजेशन खत्म होगा तो नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। देख लो क्या होता है, वो डाइजेस्टेड फूड, यानी डाइजेस्टेड फूड, आप पैरासाइट का मतलब समझे, पैरासाइट का मतलब क्या हो गया, एनिमल हु ईट्स ग्लूकोज, एमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, तो उसको पैरासाइट कहो। तुम तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, दे डज नॉट नीड द डाइजेशन। कभी कभी आप बीमार रहते हो तो आपको ग्लूकोज क्यों दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, जैसे ही ब्लड में जाएगा आपको एनर्जी प्रोवाइड शुरू कर दे। लेकिन उसी के जगह पे आपको रोटी अगर खिलाएगा तो उसको तो पहले डाइजेशन करना पड़ेगा, तो दे नीड एनर्जी, तो आपके बॉडी में तो एनर्जी कम है पहले से है, इसीलिए देखोगे क्या होता है, सिक पर्सन को ग्लूकोज दिया जाता है। तो ये जो पैरासाइट होता है तो इसमें डाइजेस्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारा मस्क्यूटो हो गया, क्या होता है, टू सक द ब्लड, ब्लड में क्या होता है ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, हेड लाइस हो गया तो पैरासाइट हो गया तुम्हारा। तो पढ़ोगे आगे, पैरासाइट भी दो तरह का होता है, एक्टो पैरासाइट, एक आपके बॉडी के अंदर भी होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ गए। अब देखो ये एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा, वो ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड क्या होगा, हर सेल में चला जाएगा, तो दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। और उसके बाद जो बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो बॉडी से क्या होगा, बाहर आवेगा, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलोगे, इजेशन। इजेशन जस्ट अपोजिट टू द क्या हो गया, इंजेशन। मेरी बात समझ रहे हो, द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम बॉडी टू द आउटसाइड इज कॉल्ड इजेशन। तो इंजेशन क्या हुआ, फूड इंटर इन टू द माउथ, तो एक तरफ इन करते हो एक तरफ एग्जिट कर रहे हो, तो एग्जिट हो गया इजेशन, इन हो गया तुम्हारा इंजेशन। तो ये कोई भी एनिमल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उसको इस स्टेप से ही गुजरना पड़ेगा। तो स्टेप उम्मीद है समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल भी समझ गए। अब थोड़ा सा तुमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो थोड़े सा पढ़ना है, पढ़े सब आदमी जानते हो अमीबा किस फाइलम में आता है, प्रोटोजोआ में, उसी में देखोगे पारामीशियम भी आता है, उसी में मलेरियल पैरासाइट भी आता है, लेकिन आपको 10 लेवल पे सिर्फ अमीबा के बारे में जानना है। तो जनरली अमीबा क्या होता है तुम्हारा, कहाँ पे पाया जाता है, जनरली देखोगे वो बैंक ऑफ रिवर, रिवर या पौंड के किनारे ही पाया जाता है, वाटर में होता है ये। और ये भी पढ़ो, ये इमोर्टल होता है, मरता नहीं है कभी ये। तो ये जो मूव करता है, तो इसमें क्या होता है, एक झूठा सूडोपोडिया, पोडिया मीन्स होता है लेग, सूडो मीन्स होता है झूठा, पोडिया बनता है, उसी सूडोपोडिया के मदद से क्या करता है, ये फूड को भी ट्रैप करता है। तो थोड़ा सा आपको जानना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है, कुछ कोमल कुछ बोल नहीं रही है बेटा, कुछ तो बोलो, दिखाई दे रहा है बेटा, देखें दिखाई दे रहा है, चलो ये देखो न्यूट्रिशन अमीबा, सब आदमी पढ़े हो अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर इरेगुलर बॉडी होता है इसका, जैसे बना दो देखो यही अमीबा हो गया। यही हो गया, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन देख रहे हो उसको क्या बोलोगे, सूडोपोडिया। पोडिया मींस होता है लेग, हमेशा याद रखना, सूडो मींस झूठा, ये क्या हो गया इसका न्यूक्लियस। अब देखो जैसे कोई फूड आइटम इस यहां पर आता है तो दोनों तरफ से सूडोपोडिया उसको पकड़ता है, इस तरीके से इसको फैलाएगा, देखो इधर से भी फैलाएगा। अब बाद में देखो ये दोनों एक हो क्या, ये फूड आइटम क्या होगा, सेल के अंदर आ जाता है, तो जैसे ही वो सेल के अंदर आता है तो उसी को क्या बोलते हो, फूड वैक्यूल। और इसी फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा,
एसिमिलेशन भी होगा और लास्ट में इजेशन भी होता है। तो यहां पर एक ही जगह सब चीज हो जाता है क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। तो यही चीज यहां पर दिखाया, देख लो ये फूड पार्टिकल, देखो कैच किया, ये क्या हो गया सूडोपोडिया, दोनों तरफ से देखो यहां घेर लिया उसको, अब फिर देखो ये आ गया, तो यही हो गया फूड वैक्यूल। यहीं पर क्या होता है फर्दर डाइजेशन एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन सब यहीं पर हो जाता है, और जो बच जाता है फिर इसी सेल के द्वारा क्या करता है एग्जिट बाहर कर देता है। तो कभी कभी हो सकता है मे बी डायग्राम ये पूछ दे, तो यही इसका सीक्वेंस है, कर लोगे। एक देखो जी आई एफ दिए हुए, देखो क्या ध्यान से देखोगे, देखो कैसे देखो, ये देखो ये फूड पार्ट के लिए, देखो यहाँ कैसे देखो ये आया अंदर, ये देखो ये ऐसे ले गया और ये आ गया यहाँ, यही क्या बन गया फूड वैक्यूल आपका बन गया। तो ज्यादा इसमें बेटा नहीं जानना था, डिटेल तुमको जानना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है इस न्यूट्रिशन चैप्टर से, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछ देगा या 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। अब यहाँ पर जो जितना अभी पढ़े हो इसमें देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी एमसीक्यू का बनता है, थोड़ा सा एमसीक्यू देख लो। अब देखो हमने बताया था कि अमीबा में क्या होता है, जो सूडोपोडिया होता है तो दो काम है, मेन तो उसका फंक्शन है लोकोमोशन, लोको माने विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया दैट अमीबा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और दूसरा क्या होता है टू ट्रैप द फूड पार्टिकल। तो पहला देखो एमसीक्यू बनता है, दिस इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ प्रोटोजोन्स, यहां पर प्रोटोजोन्स हमने बोला ना ये फाइलम होता है तो उसमें अमीबा आता है। तो देख लो क्या आपको आंसर देना है, सूडोपोडिया। हालांकि ये सीलिया, ये पारापोडिया पढ़ोगे अर्थोपोडा में होता है, यहां नहीं, फ्लैजिला देखो प्रोटोजोआ होता है, लेकिन यहां पर मेन तुमको अमीबा के बारे में पढ़ना है, इसलिए क्या होगा आंसर सूडोपोडिया। अब देखो क्या कहता है, इन अमीबा न्यूट्रिशन इज, हमने क्या बोला क्या होगा होलोजोइक, देखो कंफ्यूज मत होना, यहां पर होलोफाइटिक भी दिया, ये प्लांट से हो गया रिलेटेड, ठीक है होलोजोइक होगा, उल्टा मत मार देना, होलोफाइटिक मारोगे तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा बेटा, क्या होगा होलोजोइक। अब देखो क्या कहता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई, परे हो अभी बताएं क्या है सेप्रोफाइटा, क्या हो जाएगा देखो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अगर यहां पर सेप्रोजोइक होता है एक च्वाइस तो मत उस पर मत मारना, क्या होता है क्योंकि फंजाई क्या आता है प्लांट के केस में आता है, तो क्या हो जाएगा सेप्रो फोइक लिखो या फाइटा हो जाता है। देखो क्या कहता है, इन फूड सॉरी इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, कहां होगा डाइजेशन फूड वैक्यूल में, सूडोपोडिया तो लोकोमेट्री ऑर्गेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया सवादी पड़े हो पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी पड़े हो क्लोरोफिल, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो च्वाइस। तो कभी कभी एमसीक्यू में क्या होता है, थोड़ा सा बता रहे हैं हिंट दे रहे हैं, जब भी मान ली अगर एमसीक्यू आप देखते हो तो अगर उसका एग्जैक्ट आंसर तुमको दिख दे रहा है वो चॉइस में तो सही है, अगर मान लो थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो सबसे पहले क्या करो कि उसमें क्या नहीं हो सकता है तो उसको काटो। जैसे इसमें देखो इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, तो अब यहां पर देखो फूड वैक्यूल और सूडोपोडिया, अब इसमें से चॉइस करना है आपको। तो इस तरीके से एमसीक्यू को आपको चूज करना है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा है इसमें इतना बन सकता है, तो हर टॉपिक में हम कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यू कुछ कुछ आपको देने का ताकि आपको हैबिट बने पढ़ने का। हाँ बताएंगे एसर्शन रीजन बताएंगे, वो भी 4 नंबर का रहता है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे हम मिलेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, लेकिन बेसिक बताएंगे, डिटेल जानना है ऑलरेडी मैं वो YouTube पर स्लाइड है आपका लाइव प्रोसेस फर्स्ट देखोगे उसमें पूरा है आपका लिटरेचर आंसर कैसे लिखना है उसमें सब बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करो, थोड़ा लाइक करो, और सबसे ज़्यादा लाइक मत करो कमेंट करो,
कि सर आपका ये वीडियो कितना अच्छा है, इसमें और क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। तो जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे तो मेरा उत्साह उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो कोशिश करेंगे हम उतना अच्छा आपको वीडियो बना के देने का। भाई अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो हर अथी में देखोगे लिंक रहता है, उस लिंक पे जाओ और वहाँ से मैसेज दो, हम आपको अथी कर देंगे। ठीक है।